मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और फिर से हाजिर हुआ हूं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो, और आपके इस्तकबाल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज एक नए विषय के बारे में हम बात करेंगे, जो कि पिछले बार हम थोड़ा सा उसके ऊपर स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन लेट टू बी कंटिन्यू इट, वी आर कंटिन्यूइंग इट टुडे। हमारा जो पिछला टॉपिक था नॉन हीलिंग वॉन्ड्स के बारे में आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताए थे उसके बारे में, आज जो है डिटेल में नॉन हीलिंग वॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमारे से कनेक्टेड रहो। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नॉन हीलिंग वॉन्ड्स। दोस्तों, नॉन हीलिंग वॉन्ड्स का मतलब क्या है? जो ज़ख़म, कोई भी ज़ख़म जो हमारे होता है, जैसे कि कोई मार लगा है, किसी भी वजह से कोई भी ज़ख्म हमें होता है, वो हील नहीं होता प्रॉपरली, बार 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 हील नहीं होता, और उसी जगह पे बार बार जो है वॉन्ड्स तैयार होते रहते हैं, और वो हील नहीं होने की वजह से जो है वहाँ पे जो है पस फॉर्मेशन होता है। पस फॉर्मेशन मतलब क्या? पस मतलब वहाँ पर एक पीले कलर का गंदा जो पू बोलते हैं वो वहाँ पर जमा होता है। तो वो पस अगर फॉर्म हो गया तो नॉन हीलिंग वॉन्ड्स जो है आगे चल के सेलुलाइटिस और गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सेलुलाइटिस और गैंग्रीन मस्ट होने का कारण जो है वो नॉन हीलिंग वॉन्ड्स ही हैं। तो नॉन हीलिंग वॉन्ड्स क्यों होते हैं, क्या वजह है नॉन हीलिंग वॉन्ड्स? अगर आपको मार लग रहा है और आप उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग या प्रॉपर उसका केयर नहीं करते हो तो वो नॉन हीलिंग वॉन्ड्स बढ़ता जाएगा। और क्या वजह है नॉन हीलिंग वॉन्ड्स बनने के? एक ही जगह पर बार बार मार लगना, वो भी नॉन हीलिंग वॉन्ड्स का एक कारण है। दूसरे कारण में ऐसा पता जाएगा कि अगर आपके पैर पे एक वॉन्ड तैयार हुआ है और आपने उसके प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की है तो भी वो बढ़ सकता है, या प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या प्रॉपर मेडिसिंस नहीं लिए तो भी वो बढ़ सकता है। अगर आपके पैर पे वॉन्ड लगा है, अच्छा वॉन्ड तैयार हुआ है, अच्छा ज़ख्म तैयार हुआ है, आपने जो है मेडिसिन लेकर एक 2 to 3 days रेस्ट लेना चाहिए, 2-3 दिन आपने आराम करना चाहिए, तो वो उन हील होने में मदद होगा। अगर आप उन तैयार होते हुए भी हैवी वर्क कर रहे हैं तो वो उन हील नहीं होगा, उन थोड़ा सा हील होगा, फिर बाद में आप हैवी वर्क करेंगे और उन बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेसफुल वर्क और द लोड ऑन द उन, अगर उन के ऊपर लोड आ रहा है तो भी जो है वो उन जो है हील नहीं होगा, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है तो भी उन हील नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अगर आपने अच्छे एंटीबायोटिक, अच्छी दवाई नहीं लिए, ओनली पेन किलर से कोई भी वॉन्ड हील नहीं होता, आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल मेडिसिन लेना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद अगर आप वो वॉन्ड को अनहाइजीनिक रखते हैं, अगर उस वॉन्ड की जगह पे हाइजीन नहीं रहता है, हाइजीन मतलब वो साफ नहीं रहता वो वॉन्ड की जगह, तो भी वो वॉन्ड जो है आपका आपका जो है वॉन्ड जो है हील नहीं होगा। आपने ये ख्याल रखना है कि बाबा आपका वॉन्ड जो है पानी में नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए उसे। लेडीज़ पेशेंट में जो है वॉन्ड जो है बार बार जो है पानी में जाता रहता है, क्योंकि वो पानी में काम करते हैं इसलिए उनका वॉन्ड जो है पानी में जाता है, इसलिए जो है उनमें बहुत सारे ज़्यादा लेडीज़ में जो है नॉन हीलिंग वॉन्ड्स पाए जाते हैं। और क्या रीज़न है? लैक ऑफ ट्रीटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। कुछ लोगों के पास जो है पुअर कंडीशन रहने की वजह से भी अगर वॉन्ड अगर बड़ा बन गया तो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते, तो इस कंडीशन में आपने गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेना चाहिए, लेकिन उनको जो है कृपया करके उनको जो है बढ़ने ना दें। तो उसके बाद जो है नॉन हीलिंग वॉन्ड और सेलुलाइटिस और गैंग्रीन में और एक टर्म आता है डायबिटीज़। अगर आपको है तो आपका वॉन्ड हील होने में बहुत परेशानी होती है दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज़ में जो है जो पेरिफेरल सेंसेशन रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, वीक होते हैं, तो उसकी वजह से जो है और ब्लीडिंग भी और सर्कुलेशंस भी वहाँ पे कम होता है,
उस वजह से जो है वहाँ पे जो है उन हीलिंग प्रॉपर होता नहीं है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर ब्लड में आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो भी वुंड हील नहीं होगा। तो डायबिटीज़ एक कंडीशन है, उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आप तो लेते हैं, अगर नहीं लेते तो और आपकी कंडीशन वर्सन होगी। तो उसके साथ आपको डायबिटीज़ अगर है तो इंजेक्शन इंसुलिन भी आपको उसके उस टाइम पे स्टार्ट करना पड़ता है, तो जो वुंड है वो प्रॉपर हील होने के लिए। फिर डायबिटीज़ में अगर आपका वुंड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो आपको सेलुलाइटिस भी बैठ सकता है, फिर आपको गैंग्रीन भी हो सकता है। फिर अगर डायबिटीज़ में वुंड हील नहीं हुआ है तो आपका जो है उस जगह को एम्पुट भी करना पड़ता है, एम्पुटेशन मतलब उस हिस्से को काटना पड़ता है, क्योंकि गैंग्रीन एक टॉक्सिक कंडीशन है और वो टॉक्सिक अगर पूरे बॉडी में फैल जाए तो पूरे बॉडी को से इन्फेक्शन होके पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तो इसीलिए एम्पुटेशन की भी गरज पड़ सकती है। तो बहुत से कंडीशन में डिब्राजमेंट करते हैं, पस रिमूवल करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। तो डिब्राजमेंट मतलब वो जगह का जो भी डेड स्किन है उसको काटना, पस रिमूव मतलब वहाँ भी जो भी खराब पस पू फॉर्म हुआ है उसको सिरिंज के जरिए से काट कर वो डेड स्किन को काटना, उसको डिब्राजमेंट और पस रिमूवल बोलते हैं। तो और उसका प्रॉपर रेगुलर ड्रेसिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग भी होती है, अगर वहाँ पे बहुत लंबा अगर वुंड है तो वहाँ पे आपको दूसरी स्किन का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपका अगर वुंड हील नहीं हो रहा है, सेलुलाइटिस और गैंग्रीन बढ़ रहा है, तो आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर आपको हो नहीं रही है प्रॉपरली तो आपने जो है अल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है। आयुर्वेद में दोस्तों इस जो कंडीशन है नॉन हीलिंग वुंड्स गैंग्रीन सेलुलाइटिस का बहुत ही अच्छा एक उपचार पद्धति अवेलेबल है, और आयुर्वेद से बहुत से रिजल्ट्स आए हैं कि बाबा जिससे वुंड जो है प्रॉपरली हील हो चुके हैं। ऐसे भी वुंड के हमारे पास केसेस हैं जो प्रॉपरली हील हो चुके हैं। तो आपने जो है आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ना चाहिए, आयुर्वेद मेडिसिंस भी लेना चाहिए, और आपने जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ ध्यान देना चाहिए, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन भी लेना चाहिए, इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर उसके साथ आपने स्टार्ट किए तो आपको जो है ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। इसी के साथ आपने जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ, जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है, गैनोडर्मा ल्यूसीडियम है, बायोसिलिमरिन है, प्रोबायोटिक है, इससे भी जो है आपकी वुंड हीलिंग में प्रॉपरली कंडीशन में वुंड हीलिंग में मदद हो सकती है। इसी के साथ आपने एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, पेन किलर्स, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर ड्रेसिंग, अगर इस पे आप ख्याल रखेंगे तो आपको जो है आपकी कंडीशन वर्स नहीं होगी और आप जो है प्रॉपर हील होंगे। डायबिटिक पेशेंट्स में ड्रेसिंग तब तक करना चाहिए तब तक पूरा स्किन फॉर्म ना हो, ड्रेसिंग छोड़ना नहीं चाहिए। ड्रेसिंग अगर आपने छोड़ दी तो वो उन जो है फिर से वही प्रीवियस कंडीशन में जा सकता है दोस्तों। और आपने दोस्तों ये ख्याल रखना है कि अपने वुंड को जो है प्रॉपरली क्लीन और प्रॉपर हाइजीन में रखना चाहिए, पानी में ज़्यादा भिगोना नहीं चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा वेट नहीं देना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। इतना अगर करेंगे तो आपका वुंड हील हो जाएगा। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। थैंक यू वेरी मच।